बाइट बता देना थोड़ी वाली। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उत्तराखंड भ्रमण पर हैं और मुख्यमंत्री ने साधु संतों का आशीर्वाद लिया है और पतंजलि योग पीठ पहुंचकर बाबा रामदेव से मुलाकात की है और फिर कनखल के हरिद्वार आश्रम पहुंचे। और इसी के साथ आपको बता दें कि ये बताया जा रहा है कि कनखल के हरिहर आश्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडेश्वर अवधेशानंद गिरी से वार्ता की है और साधु संतों से मिलने का भी उद्देश्य मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का गोवा में टूरिज्म को बढ़ावा देना है। और इस दौरान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का कहना है कि आज मेरे द्वारा पतंजलि योगपीठ में बाबा रामदेव के साथ योग करने का मुझे मौका मिला है और इसके साथ ही मैंने पतंजलि के रिसर्च सेंटर और गुरुकुल का भ्रमण किया। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने ही बाबा रामदेव को गोवा बीच पर होने वाले योगा महोत्सव का भी आमंत्रित किया और वहीं बाबा रामदेव के कई कार्यक्रम गोवा में अब आयोजित होंगे। इस देवभूमि में आज मैं पतंजलि योग आश्रम कल पहुंचा था। आज सुबह में रामदेव बाबा के साथ योग करने का मौका मुझे मिला, उनका रिसर्च सेंटर और गुरुकुल देखने का योग मुझे आया। हमने बाबा रामदेव जी को गोवा में इनवाइट किया है। योग महोत्सव गोवा के मीरामार बीच में 18, 19 और 20 तीन दिन गोवा के मीरामार बीच में 5 बजे से लेकर 9 बजे तक वो मीरामार के बीच पे होने वाला है और बाकी भी बाबा रामदेव के कार्यक्रम वहाँ पे हैं। आज इस हरिहर आश्रम में स्वामी जी को मिलने के लिए मैं खासकर उनका दर्शन लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि सन सैंड सी टूरिज्म बोलते हैं, तब सन सैंड और सी इसके बाहर यानी फोर्थ एस विच इज स्पिरिचुअल टूरिज्म, वो भी हम जोड़ना चाहते हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आम आदमी पार्टी के प्रदेश समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट आज कोटावर पहुंचे और जहां उन्होंने आम पार्टी जिला स्तर पर 22 संगठन इकाइयों की बैठक की शुरुआत की है और साथ ही आगामी निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की है। और इस दौरान आप पार्टी के समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा कि नगर क्षेत्र की कई समस्याओं को संकलित करने का काम करेंगे और साथ ही कहा कि विधानसभा के चुनाव में जो कमी रह गई थी उसको दूर कर आगामी निकाय चुनाव में पूरा करेंगे। तो कोटावर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बता दें आपको कि आगामी निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर जोर देखने को मिल रहा है और आम पार्टी को लेकर इसमें प्रदेश समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट कोटावर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी की ही स्तर पर 22 संगठन इकाइयों की बैठक की शुरुआत की और साथ ही आगामी निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की है। और इस दौरान ही आप पार्टी के समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा कि नगर क्षेत्र की कई समस्याओं को संकलित करने का काम करेंगे और साथ ही कहा कि विधानसभा के चुनाव में जो कमी रह गई थी उसको दूर कर आगामी निकाय चुनाव में पूरा करेंगे। जिला स्तर पर जो हमारी 22 संगठन की इकाइयाँ हैं उनकी बैठकों की शुरुआत की। आज कोटद्वार में मेरी तीसरी बैठक है और इन बैठकों में हम संगठन के गठन की प्रक्रिया का समीक्षा करने के साथ साथ आगामी जो निकाय चुनाव है उन निकाय चुनाव में पार्टी की तैयारियां क्या हैं उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो नगर क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की समस्याएं, चाहे वो साफ सफाई की हो, चाहे वो सड़क के गड्ढों की हो, नालियों की सफाई की हो, सीवर लाइन की हो, इन सब चीज़ों को समस्याओं को भी संकलित करने का काम करेंगे और उसके बाद हम निकाय चुनाव की तैयारी करते हुए जो सारे निकाय हैं उनमें अध्यक्ष से लेकर के वार्ड सदस्यों के पदों पर भी भागीदारी करेंगे। हरिद्वार उद्योग दर्शनी प्रदर्शनी और देश के राज्य के प्रतिष्ठित यौगिक संघ उत्तराखंड शासन के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष में सभी के सहयोग के साथ ही राज्य में फार्मा और इसके साथ ही कॉस्मेटिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ये प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। और वहीं इस प्रदर्शनी में देश विदेश के फार्मा, मशीनरी, रसायन पैकेजिंग और उद्योग के निर्माता और उनके प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। यह आयोजन पिछले साल भी किया गया था जिसमें फार्मा उद्योग को बढ़ाने में और अपना अमूल्य योगदान दिया गया। और इस प्रदर्शनी का उद्देश्य बता दें आपको कि उत्तराखंड के निवेशकों को आमंत्रित करना है और इस मौके पर ही बिल्कुल सिडकुल फार्मा एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे।
दिन का ये प्रोग्राम था, आज इसका समापन हो रहा है और हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं। जैसे हमने सोचा था उससे ज़्यादा सक्सेसफुल ये रहा है और 110 कंपनियां यहां पर आई और 40 से ज़्यादा कंपनियां ऐसी थी जिनको हम स्पेस नहीं दे पाए हैं। तो अगली बार जो हमारे जितने आयोजन होंगे, हमने सोचा है कि कम से कम 1.5 गुना हम स्पेस स्टॉल इसमें लगाएंगे। इसी क्रम में नेक्स्ट हम फूड इंडस्ट्रीज़ के ऊपर और पैकेजिंग, इनका कंबाइंड एक इस तरह का एग्जीबिशन करने जा रहे हैं और जिसके लिए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने अपने कैंपस का हमें ऑफर किया है, जो 3 महीने के अंदर हम इस तरह का आयोजन करेंगे। और इसके बाद दीपावली के आसपास हम एक जनरल इंडस्ट्री जिसमें सभी सेक्टर्स को हम कवर करेंगे, ऑटोमोबाइल्स को भी करेंगे और बाकी सारे सेक्टर्स को भी कवर करेंगे, दीपावली के आसपास हम इससे कम से कम 2 गुना बड़ा एक हम इस तरह का एग्जीबिशन लगाने जा रहे हैं। विगत 3 दिवस से चल रहा है और एक फार्मा एक्सपो जो लैब, फार्मा एक्सपो और लैब हमारे यहाँ, क्योंकि उत्पाद कॉस्मेटिक्स का और प्रोडक्शन का बहुत बृहद स्तर पर हमारे जिले हरिद्वार में होता है, तो उसी क्रम में ये दूसरी बार ये एक्सपो लगा है। पूरे संपूर्ण भारतवर्ष से करीब 250-300 स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं और विभिन्न कंपनियां अपने रसायन का, अपने उत्पादों का, अपनी मशीनरी का, अपने इक्विपमेंट्स का यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है और करीब 2,000 से 3,000 लोगों का आगमन, विजिटर्स का यहाँ पे हुआ है और बहुत सुंदर एक मेला सा 3 दिन से लगा हुआ है। इन 3 दिवसीय कार्यक्रमों में हमने 3 यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ इन्वाइट किया था। सीमांत जनपद उत्तरकाशी में PTS बीएड कॉलेज का उद्घाटन गुरु चौरंगी नाथ ब्लॉक प्रमुख भट्टावाड़ी विनीता रावत और जिला पंचायत और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्ट के द्वारा किया गया और इस मौके पर कॉलेज के संस्थापक शंभू प्रसाद नोटियाल ने बताया है कि जनपद उत्तरकाशी की सबसे बड़ी समस्या शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा है, जिसके कारण यहाँ से लगातार पलायन हो रहा है और इस विद्यालय के बनने से शिक्षा के नाम पर हो रहे पलायन को रोकने की एक कारगर कोशिश की जा रही है। आज हमारे जनपद काशी के जो मानपुर गांव में जो आज नोटियाल जी के द्वारा जो यहाँ पे बीएड कॉलेज का उद्घाटन किया गया, मैं सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो हमारे जो इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं जो हमारे पलायन कर रहे थे बाहर, उनको काफ़ी सुविधा मिलेगी यहाँ पर। जो उत्तरकाशी सीमांत जनपद है, वो सीमांत जनपद का सीमांत विकासखंड बटवाड़ी के जो मानपुर में आज जो बीएड कॉलेज का अपने देवी देवताओं के विधि विधान से जो है यहाँ पर शुरुआत हुई है, मैं नोटियाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में, मैं समझता हूँ कि हमारे जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनके लिए जो है बच्चे जो है अपने घर से जो है यहाँ पर जो शिक्षा ग्रहण ले सकते हैं और मैं तो पूरे उत्तराखंड के जो हमारे शहरों में रहने वाले लोग हैं आप लोगों को निमंत्रण देता हूँ कि आए यहाँ पर जो है अपने बच्चों को भेजें। यहाँ पर जो है आज यहाँ मानपुर में पिट्स बीएड कॉलेज का भूमि पूजन का आयोजन हुआ है, मैं नोटियाल जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए वहाँ की शिक्षा और स्वास्थ्य का विकास होना बहुत महत्वपूर्ण होता है और शिक्षा के क्षेत्र में इस पूरे क्षेत्र के लिए, चाहे वो जनपद उत्तरकाशी हो, क्योंकि सीमांत जनपद उत्तरकाशी है और यहाँ से हमारा बगल का जनपद भी टिहरी जनपद है, वहाँ के छात्र भी इससे लाभान्वित होंगे, तो निश्चित तौर पर ये जनपद के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पर पुलिस ने कठोर कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट लगा दिया है, जिसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की लगभग 3.25 करोड़ रुपए की चल अचल अवैध संपत्ति को कुर्क करने की रिपोर्ट जिला अधिकारी हरिद्वार और पौड़ी को भेज दी है। आपको बता दें कि यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट तहत की जा रही है और जल्द ही इसमें संबंधित जिला प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा। हरिद्वार के गढ़मीरपुर के मुस्लिम धर्मस्थल करबला दरगाह में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चोरी की वारदात का खुलासा हुआ। देर रात ही गढ़मीरपुर में मौजूद करबला दरगाह में चोरों ने वहां रखे दान पात्र को तोड़कर हाथ साफ कर दिया और वहीं मामले की जानकारी ग्रामीण ने पुलिस को दी है। और वहीं आपको बता दें कि सुमन नगर चौकी पुलिस ने मौके पर जाँच करने के बाद चोरों की तलाश और छानबीन शुरू कर दी है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पुलिस श्वेता चौबे द्वारा अंकिता हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और उसके साथियों पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके अनुसार उनके द्वारा आपराधिक कृत्य कर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की गई थी और जिसके मद्देनजर पुलिस द्वारा ही पुलकित आर्य द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई थी। वहीं अचल संपत्ति की जानकारी जुटाई गई है और ये पता चल रहा है कि हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य द्वारा ही जनपद हरिद्वार में लगभग 1,75,00,000 की अवैध संपत्ति अर्जित की गई थी। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि दूसरी खबर है हरिद्वार से, जहां पर हरिद्वार के माघ पूर्णिमा के मौके पर सुबह से ही श्रद्धालु तांता देखने को मिल रहा है और इस दौरान ही श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। वहीं माघ पूर्णिमा पर हरिद्वार के साथ हर की पौड़ी और इसके साथ ही ब्रह्मकुंड समेत आसपास गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी लगाते श्रद्धालु दिखे है और इस दौरान ही हरिद्वार के सभी घाटों पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस के जवान तैनात रहे। कोटद्वार के ही राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में मानसिक रोगियों के लिए शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें रोगियों के स्वास्थ्य की जांच की गई है और साथ ही जिन रोगियों के पास दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं था उनका टेस्ट कर मौके पर ही प्रमाण पत्र बनाया गया है। आपको बताते चले कि सक्षम संस्था जो दिव्यांगों के लिए पूरे देश भर में कार्य करती है, उनकी पहल पर ही स्वास्थ्य और समाज कल्याण द्वारा कोटद्वार में इस शिविर का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड की ही ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपजिला चिकित्सालय में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता की मांग पर पिछले 33वें दिन भी महिलाओं के नेतृत्व में रामलीला मैदान में आंदोलन और धरना जारी रहा, लेकिन शासन प्रशासन की और से ही उनकी अभी तक कोई सुध नहीं ली गई है। इस कड़कड़ाती ठंड में भी महिलाएं अपने अपने गांव और इसके साथ ही अपने खेतीबाड़ी और घरेलू कामकाज और बच्चों को छोड़कर गैरसैंण में बुनियादी सुविधाओं के लिए आंदोलन में डटी हुई हैं। लेकिन आंदोलनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी सकारात्मक संदेश नहीं मिला है, बल्कि सरकार का कोई नुमाइंदा या जनप्रतिनिधि तक उनके बीच नहीं पहुंचा और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार और प्रशासन उनकी अनदेखी कब तक करती है और इसे भी हम देखेंगे और हमारा आंदोलन थकेगा नहीं। वहीं शनिवार को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी अपना समर्थन देने यहां पहुंचे थे और इसके बाद अब पुरुषों की भागीदारी भी आंदोलन में बढ़ चढ़कर देखने को मिल रही है। रामलीला मैदान में धरने पर पजियाणा और इसके साथ ही डांगा गांव की महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। ढांगा महिला मंगलगढ़ से, जैसे कि हम लोगों की नियुक्ति ऐसी है कि हमें डॉक्टर और क्या वो फिजिशियन और साधन की ज़रूरत हमें अति आवश्यकता है और जैसे कि हमारी महिलाएं बहनें छोटी बहनें डिलीवरी के समय पे कहीं दूर भेजा जा रहा है, किसी की नियुक्ति हो जा रही है, इसीलिए हमें ये मांगी पूरी करनी चाहिए। लोगों को मेरा नमस्कार। हम 33वें दिन आज यहाँ पे धरने का हो चुका है और हमारी बहनें इतने परेशान हैं कि हम आने वाली पीढ़ी हमारी जो है कि डिलीवरी के समय पर हमें दूर दूर जाना पड़ता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन राष्ट्रीय एकात्मा यात्रा के तहत पूर्वोत्तर भारत से ही आए 25 सदस्यीय दल का मसूरी पहुंचने पर स्वागत किया गया है। बता दें आपको कि इसको लेकर ही बताया जा रहा है कि नारेबाजी और उनका माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया गया। असम से आए संदीपन किशोर सिंघा ने कहा कि ABBP छात्र जीवन दर्शन यात्रा के साथ नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य से ही 460 छात्रों को दल है और जो 16 ग्रुपों में बटा है और पूरे भारत के 64 स्थानों का दर्शन करेंगे और मसूरी छठवां दल आया है। कोटद्वार में ही चल रहे 3 दिवसीय बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल पर सवाल उठने लगे हैं और 3 फरवरी से शुरू हुए इस फेस्टिवल का उद्देश्य स्थानीय लोगों को पर्यटन और रोजगार की तरफ ले जाना था, लेकिन अब इसमें आयोजकों को फायदा पहुंचाने के लिए आरोप लग रहे हैं। आपको बताते चलें कि जिला प्रशासन और वन विभाग के सहयोग से शुरू हुए इस फेस्टिवल में प्रशासन द्वारा धनराशि भी दी जा रही है और जिसको लेकर अब सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं।
धर्म नगरी हरिद्वार के पंचपुरी गढ़ मीरपुर में संत रविदास का जन्म उत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। हरिद्वार में मौजूद गढ़ मीरपुर में रविदास मंदिर में संत रविदास की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर संत रविदास जन्म उत्सव का आगाज किया गया और साथ ही रविदास के ही अनुयायियों ने पूजा अर्चना के साथ ही संत रविदास के दिखाए रास्ते पर चलने के लिए संकल्प लिया। खबर उत्तरकाशी जनपद से है, जहां गाजड़ा पट्टी के ग्राम सभा सिरी डूंग गांव में 42 साल बाद मां ज्वालपा देवी के ही मेले का आयोजन किया गया। और बता दें आपको कि कहा जाता है कि पहले इस स्थान पर पशु बलि की प्रथा थी, पर स्थानीय लोगों और देवताओं ने पशु बलि की जगह उड़द दाल के ही पकोड़े और जिसको कि स्थानीय भाषा में ताई कहा जाता है उसकी शुरुआत की। और जिसकी खास बात यह है कि जिस व्यक्ति पर देवी अवतरित होती हैं वहां खोलते हुए तेल में बताया जाता है कि हाथों में ही पकोड़े निकलते हैं और इसके साथ ही बता रहे हैं कि खोलते हुए तेल में ही स्थानीय जनता पर फेंका जाता है और देवी के आशीर्वाद से किसी को कोई भी नुकसान नहीं होता है। और आज इस मेले के अवसर पर सैकड़ों लोग यहां मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।